सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आपको पता होगा कि गॉब्लेट अब सोल का पार्ट नहीं है करंटली, तो वो अब किस ऑर्क से खेलेंगे और क्या है उनके फ्यूचर्स प्लान्स, इन सब के बारे में गोल्डी भाई ने क्या कहा आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गॉब्लिन फेयरवेल पोस्ट नहीं आया, गॉब्लिन का भी फेयरवेल पोस्ट मतलब अभी हमारी तरफ से क्लैरिटी है नहीं। गॉब्लिन के हिसाब से अभी गॉब्लिन हमारे को जो पता है या जो बोल के गया है वो ये बोल के गया है कि वो ई-स्पोर्ट से ब्रेक लेना चाहता है। एंड जहाँ पे हमने उसकी बात कराई थी, जहाँ पे हमने उसको बोला था और उसका सब सेटिंग हो गया था, आई थिंक वो वहाँ भी नहीं जाने वाला। तो अभी देखते हैं क्या करेगा वो, आप लोग को पता लग ही जाएगा कहाँ पे है क्या है। बट कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, शायद वो जहाँ भी ज्वाइन कर रहा है अनाउंसमेंट आ जाएगा। सो गाइस क्या गोब्लिन गॉडलाइक ज्वाइन कर सकते हैं, इस चीज पर आईप्लिक्स ने क्या कहा आप देख सकते हो। क्या लगता है गोब्लिन कहाँ जा रहा है यार? गोब्लिन मतलब गोब्लिन गॉडलाइक में भी गया तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? बात तो यही है ना, तुम्हें तो इन द एंड यही जानना है। अब मुझे बता, गोब्लिन गॉडलाइक में भी गया तो डू यू गाइस लाइक हैव एनी प्रॉब्लम? गॉडलाइक में गया, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एमवीपी बन रहा है उधर, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो हाँ है प्रॉब्लम। ओ साले व्हाट द फक, ऐसा है क्या? देखो वैसे तो आई कैन यू नो से दैट कि गॉब्लिन नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनकी जो यू नो एमवीपी मोनोपोली सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी जोनाथन का काम है, वो कर रहा है, वो करने लायक भी है वैसे तो, वो कर भी रहा है, वो अच्छा परफॉर्म करता भी है। तो आई थिंक अंटिल एंड अनलेस जोनाथन इज देयर, देयर हैज टू बी ओनली वन एमवीपी इन द इन दैट टीम। सो ये आई थिंक सब लोगों ने उनका स्ट्रीम में भी देखा है, एस्पर जैसा द टॉप मोस्ट टियर वन एमवीपी प्लेयर भी जाके भी नहीं बन पाया। सिर्फ हाँ या ना में आंसर दो, गॉब्लिन रिनल्थिंग विच ओमेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट न्यूज भी सोल से निकल कर आती है, जहां मायावी सोल का पार्ट है, वही मायावी के पास्ट में हैकिंग के एलिगेशन भी लगे हैं, तो इस पर मार्जी ने क्या रिएक्शन दिया आप देख सकते हो। रेपुटेड ऑर्ग लाइक सोल गेट इन्वॉल्व विद एन अनएथिकल इंडिविजुअल लाइक मायावी, भाई उनकी पैसे उनकी मर्जी, तो एवरीथिंग इज बिजनेस। तुम लोग को मैं बचपन से बोलता आया हूँ कि हर एक चीज बिजनेस होता है, अब तुम लोग उसमें इमोशन जोड़ो या चीजें जोड़ो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा तो है नहीं कि मायावी के ऊपर जो भी एलिगेशन थे वो प्रूव हो गए, वैसा भी नहीं था। तो जब तक किसी के ऊपर कुछ प्रूव नहीं होता तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते, सिंपल। तो जब उसके ऊपर प्रूव नहीं हुआ तो वो सोल में जाए या कहीं और जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, समझे? बिजनेस की बात है तो भैया देखो बिजनेस चलता रहेगा। सोल की नई टीम बनी है, वो बूट कैंप पर नहीं खेलते या कब से खेलेंगे, इस चीज पर अस्थक भाई ने क्या कहा आप देख सकते हो। व्हाई टीम सोल इज नॉट बीन 24 आवर्स एट बूट कैंप, इट्स देयर चॉइस, उनको जो चीज़ कंफर्टेबल लगे उनको दिया जाएगा। बूट कैंप ऐसी नहीं कंपलसरी होती, अगर उनको अच्छा लगे, अगर उनको टूर्नामेंट के पहले से उन्हें बोल लेना चाहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ विवोन से निकल कर आती है, जहां विवोन अब गॉडलाइक का पार्ट नहीं है। हाँ गाइज, वो गॉडलाइक को लीव कर दिए, ऐसा क्यों किया उनकी मम्मी ने क्या कहा आप देख सकते हो। हमने गॉडलाइक इसलिए लीव किया है, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग विवोन को अभी एज ऑफ नाउ एज अ सोलो क्रिएटर रखना चाहते हैं, हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे आप सबको पता चल जाएगा। आई थिंक अभी एज अ सोलो क्रिएटर ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विवोन वो सबके साथ खेलना चाहता है ताकि वो सबसे सीख चुके, क्योंकि आई एम नॉट अ प्लेयर, मुझे खेलना नहीं आता। और जब वो प्लेयर्स के साथ खेलता है तब वो उनसे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वो उसमें बताते रहते हैं कुछ ना कुछ कि ऐसे ऐसे करके। हाँ, आप समझ रहे हो ना कि एज सच कोई बहुत खास वैसा वजह नहीं थी कि मैं बोलूँ कि इसलिए छोड़ा उसलिए छोड़ा, इट जस्ट सिंपल कि एज ऑफ नाउ विवोन इज अ सोलो क्रिएटर, दैट्स इट। सो गाइस, इस पावर अभी सोल के ऑर्ग में, तो इस पावर अभी सोल के ऑर्ग में है, वही पहले गॉडलाइक में थे, इस पर स्काउट ने क्या कहा आप देख सकते हो। जोड़ आ गया ऑब्वियसली, मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, पावर हर्ट अपने ही लौंडे भाई, पावर अपना छोटा भाई है भाई, बहुत तंज से बोलता हूँ, वो अभी से नहीं बोल रहा, जब राइवलरी जिस टीम से उस टीम में जब था तब से अपना भाई, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी टीम, जैसे आदित्य मेरा भाई रहेगा लाइफ टाइम, वैसे पावर भी रहेगा। तो बस BGMI में अभी इवेंट आया जिसमें स्काउट स्नैक्स और रेगल टॉस को मेंशन किया गया है, इसमें स्काउट ने क्या हिंट दिया है आप देख सकते हो। तो ये देखो गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट में जाना है, ये देखो कुछ आ रहा है, क्या बोलते हो गाइस, क्या आ रहा है, इसके बीटी है मेरे पास, देख रहे हो, पर यार मेरे ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन वाले भाई फोटोज क्यों आ रखे हुए, सबके पोकर फेस वाले आ रखे। सो गाइस, क्या स्काउट बिग बॉस में जा सकते हैं फ्यूचर में, इस पर वो क्या कहे आप देख सकते हो। भाई तुम कभी बिग बॉस हो गए नहीं जाना मेरे को ऐसा शो में, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मेरे आंखों में ऑलरेडी वो शो बहुत नीचे था, अभी रिसेंटली जो चल रहा है, कल मैंने कहा रील, मतलब मैं फॉलो ना करते करते भी फॉलो करने लग गया रीलों के थ्रू, तो नहीं जाना भाई। सो गाइस, आप तक के लिए वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की ई-स्पोर्ट्स न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप तक के लिए गुड बाय।